एक कहावत है कि किसी के पट्टे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, वरना लेने के देने पर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी जौनपुर के रहने वाले इन जनाब के साथ, जिन्होंने कुछ लोगों की लड़ाई शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन ये चीज उन पर ही भारी पड़ गई। कैसे, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। यूपी में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे पुलिस प्रशासन से भी नहीं डरते। जिस तरीके से सेरिज मिर्जापुर में दबंगों को खुलेआम घर में घुसकर फायरिंग करते देखा गया, कुछ ऐसा ही मंजर बीते दिन जौनपुर में भी देखने को मिला। दरअसल यूपी के जौनपुर में दबंगों ने घर में घुसकर परिवारजनों को न केवल जमकर पीटा बल्कि कई राउंड फायरिंग भी की। इस हमले में 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वह इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस पीड़ित राम मिलन यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की रात सेखाई गांव निवासी अनुराग यादव के घर के सामने कुछ लोग शराब पीकर आपसी झगड़े कर रहे थे, जिसे अनुराग ने पहले तो रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे लोग नहीं माने तो उसने उन्हें फौरन वहां से जाने को कहा, जिसके कारण वे लोग गुस्सा गए और अगले दिन ही इस शर्मनाक हरकत को अंजाम दे डाला। अगले दिन अनुराग से बदला लेने के लिए 15 से 16 लोग लाठी डंडे और तमंचे से लैस होकर दबंग अनुराग के घर पहुंच गए और न केवल अनुराग को बल्कि उनके पूरे परिवार को खूब मारा पीटा और घर में ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। गुंडों के इस हरकत से आज पूरा जौनपुर सकते में है और यूपी में गुंडा राज के स्पष्ट संकेत दे रहा है।